तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, LG विंडो AC के नए मॉडल मार्केट में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि LG के नए विंडो AC में आपको क्या क्या नए फीचर और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। मैं आज के इस वीडियो में आपको सारे फीचर और सारी टेक्नोलॉजी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको नए विंडो AC में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तीन मॉडल कवर करने वाला हूं। दोस्तों, ये तीनों मॉडल में आपको सेम फीचर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहला मॉडल है दोस्तों 1.5 टन 5 स्टार, दूसरा मॉडल है 1.5 टन 3 स्टार और तीसरा मॉडल है दोस्तों 2 टन 4 स्टार। दोस्तों, तीनों ही मॉडल में आपको सेम फीचर और सेम टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है दोस्तों, को वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम LG विंडो एयर कंडीशनर के अगर डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। अगर हम कोई भी नॉर्मल किसी भी ब्रांड का विंडो एयर कंडीशनर देखें तो सभी में नॉर्मल सा आपको एक लुक देखने को मिलता है और उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वही पुराना सा स्टाइल। लेकिन यहाँ अगर LG विंडो एयर कंडीशनर की बात करेंगे तो इसमें आपको एक नया स्टाइलिश विंडो एयर कंडीशनर देखने को मिल जाता है। लुक और डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप घर में काफ़ी अच्छा खासा इंटीरियर करवा रहे हो, यानी LG विंडो एयर कंडीशनर का जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी सभी ब्रांड में आपको नॉर्मल सा वही पुराना सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, LG के सभी विंडो एयर कंडीशनर ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं, यानी LG विंडो AC के अंदर जो कंप्रेसर लगा है उसका नाम है ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर। दोस्तों, ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, एयर कंडीशनर के अंदर नॉइसेबल बहुत कम होता है, वाइब्रेशन काफ़ी कम होता है। ये ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर एक हाई एनर्जी एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है दोस्तों, इससे पावर सेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों, आपको LG के इस विंडो एयर कंडीशनर के अंदर जो नॉइसेबल है सबसे कम देखने को मिलेगा। LG के इस विंडो एयर कंडीशनर के अंदर अगर हम नॉइसेबल की बात करें तो LG के इस विंडो एयर कंडीशनर का जो नॉइसेबल है 244 डेसिबल का। दोस्तों, जब हम कोई भी एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो हमेशा एक चीज़ पे जरूर बात करते हैं, वो है कि पावर कंजप्शन, यानी हमारा एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो LG का ये ड्यूल इन्वर्टर AC एनर्जी सेविंग के मामले में बहुत ही अच्छा है। LG के इस विंडो एयर कंडीशनर में दोस्तों एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है एनर्जी मैनेजर। दोस्तों, आप मैं इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि हम डेली एयर कंडीशनर यूज़ करते हो और हमारा महीने का बजट होता है कि हमारा लाइट बिल इतना आना चाहिए, तो LG के एयर कंडीशनर में एक एनर्जी मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके लिए आपको एक स्मार्ट थिंक्यू ऐप होता है LG का, थिंक्यू ऐप डाउनलोड करना है और आप उसमें एक लिमिटर लगा सकते हो कि आपका AC पूरे महीने भर में इतना पावर कंज्यूम करना चाहिए, अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन दे। तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में हम एक डेटा का लिमिटर लगा देते हैं कि हमारा जो डेटा है 2 GB के ऊपर अगर जा रहा है या 1 GB के ऊपर जा रहा है तो हमें तुरंत नोटिफिकेशन दे। तो होता है ना कि अगर हम कंटिन्यू डेली डेटा यूज़ कर रहे हो, वीडियो ज़्यादा देख रहे हो और डेटा ओवर लिमिट हो जाता है तो हमें नोटिफिकेशन आने लगता है। तो ऐसी LG एयर कंडीशनर के अंदर आप एनर्जी का एक मॉनिटर लगा सकते हो, एनर्जी मैनेज कर सकते हो कि आपका AC महीने भर में इतना पावर कंज्यूम करना चाहिए, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी आपके यूजेस के हिसाब से आपका AC कितना पावर कंज्यूम करना चाहिए वो आप उस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो एनर्जी मैनेजर में। तो उसके लिए आपको LG का स्मार्ट थिंक्यू ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, एनर्जी मैनेजर का फीचर ये तीनों ही मॉडल में अवेलेबल है, यानी LG के सभी वाईफाई वाले मॉडल में आपको ये एनर्जी मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, LG के ये विंडो एयर कंडीशनर स्मार्ट एयर कंडीशनर है। इन विंडो एयर कंडीशनर को आप अपनी वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक गूगल असिस्टेंट या फिर अमेजोन अलेक्सा होना चाहिए। अगर आपके पास अमेजोन अलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है तो अपनी वॉइस के थ्रू AC को ऑन या ऑफ कर सकते हो, या फिर AC से टेम्परेचर कम या ज़्यादा करवा सकते हो, या फिर दोस्तों LG के स्मार्ट थिंक्यू एप्लीकेशन की मदद से भी आप LG AC को कंट्रोल कर सकते हो रिमोटली, जैसे कि टेम्परेचर कम करना है, ज़्यादा करना है, डायग्नोस करना, या फिर एनर्जी मैनेजर का भी फीचर यूज़ कर सकते हो, या फिर LG एयर कंडीशन के अंदर कुछ भी खराबी आती है तो AC को आप डायग्नोस कर सकते हो। दोस्तों, LG विंडो एयर कंडीशनर के सभी मॉडल मेंटेनेंस फ्री है, इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। मेंटेनेंस कम होने का दोस्तों सबसे बड़ा दो रीज़न है। पहला, LG विंडो एयर कंडीशनर के अंदर जितनी भी कॉइल यूज़ की गई है सभी की सभी 100% कॉपर है। दूसरा रीज़न दोस्तों, कॉइल यूज़ की गई है कॉपर की, तो कॉइल आपको बहुत सारी विंडो में देखने को मिल जाती है, लेकिन LG के इस विंडो के अंदर जो कॉपर वाली कॉइल यूज़ की है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी हाई ग्रू कॉपर है, कॉपर की थिकनेस जो है काफ़ी अच्छी है,
दूसरा ग्रूव लाइनिंग है जिससे कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। LG की विंडो एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है कॉपर के ऊपर, ताकि जो कॉपर की कोयल है वो खराब ना हो, उस पर रस्टिंग का इश्यू ना आए, जिससे विंडो एसी में लीकेजिंग ना आए। नॉर्मली होता ये दोस्तों, कॉयल्स में रस्टिंग जब लगती है या क्रोजन होने लगता है उससे लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है। एक बार अगर गैस लीकेजिंग हो गई दोस्तों, 2.5 से 3 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्चा आता है। तो अगर आपके कॉपर की क्वालिटी अच्छी होगी, थिकनेस अच्छी होगी, तो जल्दी से लीकेजिंग नहीं आएगा। दोस्तों एसी के अंदर कॉपर की क्वालिटी अच्छी हो और कॉपर कॉइल के ऊपर एंटी क्रोजन कोटिंग हो, तो एसी के अंदर मेंटेनेंस कभी जल्दी से नहीं आता है सालों साल। तो दो एसी के अंदर दो चीज़ जरूर अच्छी होना चाहिए, एक कॉपर क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, दूसरा एंटी क्रोजन कोटिंग अच्छी होना चाहिए। ये दो चीज़ आपको एसी में मेंटेनेंस से बचाती है, लीकेजिंग से बचाती है, और जिससे एसी की कॉइल वगैरह खराब नहीं होती है। दोस्तों एल जी के विंडो एयर कंडीशनर 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ में आ रहे हैं, यानी आप एल जी विंडो एयर कंडीशनर को 4 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जैसे कि पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 100%, 80%, 60%, 40%, यानी इन परसेंटेज के हिसाब से एसी के टनेज को कम कर सकते हो, 80% में, 60% में, 40% में। जब एसी के टनेज कम होते हैं दोस्तों, तो पावर कंजप्शन भी कम होता है। दोस्तों अगर कमरे में लोग कम है, कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट है, आप टनेज कम करेंगे तो पावर कंजप्शन भी कम होगा। तो आप अपने यूजेस एंड कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग टनेज में एसी को चला सकते हो। दोस्तों एलजी के विंडो एयर कंडीशनर के अंदर अगर हम एयर फ्लो की बात करें, यानी सीएफएम, तो 1.5 टन 3 स्टार हो या 1.5 टन 5 स्टार हो, दोनों में आपको सेम एयर फ्लो देखने को मिलेगा। सीएफएम दोनों ही मॉडल में है दोस्तों, आपको 459 का एयर फ्लो देखने को मिलेगा, यानी दोनों ही मॉडल में सेम सीएफएम दिया है 459। और दोस्तों 2 टन के मॉडल में जो सीएफएम आपको देखने को मिलेगा वो है 501, यानी 501 सीएफएम देखने को मिलेगा आपको 2 टन वाले मॉडल में, 2 टन 4 स्टार में। दोस्तों एल जी के विंडो एयर कंडीशनर के अंदर आपको लो गैस डिटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो इस फीचर का दोस्तों बेनिफिट ये होता है, मान लीजिए अगर आपके एसी के अंदर कभी भी गैस का लेवल कम हो जाता है, तो एसी के डिस्प्ले पे इंडिकेशन आ जाएगा CS38। तो नॉर्मली दोस्तों इसका बेनिफिट ये भी समझ सकते हो, ज़्यादातर एसी में प्रॉब्लम कूलिंग की प्रॉब्लम तब आती है जब एसी के अंदर गैस का प्रॉब्लम होता है, या गैस कम हो जाती है, या गैस निकल जाती है। यानी दोस्तों एलजी के विंडो एसी के अंदर कभी भी गैस का लेवल कम हो जाता है या गैस कम हो जाती है, तो एलजी के विंडो एसी पे CS38 लिख के आएगा। तो आपको समझ जाना है एसी के अंदर गैस कम हो गई, हमें भरवा लेनी चाहिए, जिससे आपको कूलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों एलजी विंडो एयर कंडीशनर के अंदर अगर हम कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो एलजी विंडो एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी एलजी का विंडो एयर कंडीशनर 52 डिग्री वाले हाई टेम्परेचर में भी आपको फास्टेस्ट कूलिंग मेंटेन करके देगा। दोस्तों LG विंडो एसी में आपको एक फीचर और देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्लीन फिल्टर। मान लीजिए LG एसी का जो फिल्टर होता है अगर वो गंदा हो जाता है, जाम हो जाता है, तो आपको LG विंडो एसी के डिस्प्ले पे इंडिकेशन आएगा फिल्टर क्लीन का, आप ताकि आप फिल्टर क्लीन करवा लें। नॉर्मली दोस्तों अगर फिल्टर जाम हो जाता है, फिल्टर आप क्लीन नहीं करते, तो एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज देखने को मिलेगा, जब भी फिल्टर जाम होगा तो आपको इंडिकेशन आएगा। दोस्तों एल जी विंडो एयर कंडीशनर की अगर हम वारंटी की बात करेंगे, तो एल जी विंडो एसी के कॉम्प्रेसर पे आपको मिलती है 10 साल की वारंटी, और टेक्निकली कुछ भी एसी में खराबी आती है उसके लिए मिलती है आपको 1 साल की वारंटी। दोस्तों एल जी विंडो एयर कंडीशनर के सभी मॉडल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी के मॉडल नंबर, और स्प्लिट एसी वाले जितने भी नए मॉडल हैं उनके मॉडल नंबर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप एसी का प्राइस चेक कर सकते हो या फिर मेरी दी गई लिंक से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, दोस्तों मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी जरा भी अच्छी लगी, दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।